척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 Sound really fun Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So, कैसा लग रहा आप लोगों को ये वाला लुक? आज मैं आप लोगों के साथ यही लुक शेयर करूंगी. So, without further ado, let's get started. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी गुड वाइब्स का रोज हिप फेशियल सीरम. ये सीरम मुझे बेहद पसंद आता है एंड आई थिंक मैं काफ़ी टाइम बाद इसको यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है. नेक्स्ट यहाँ पे मैं प्राइमर अप्लाई करूँगी और प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का प्राइमर. गाइस ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड आई थिंक मैंने जब से इसको लिया है मैं सारे ट्यूटोरियल में यही लगा रही हूँ. आपके पोर्स को बहुत अच्छे से मिनिमाइज़ कर देता है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है. नेक्स्ट यहाँ पर मैं फाउंडेशन के लिए अप्लाई करूँगी मैबेलिन का फिट फाउंडेशन, जिसमें मेरा शेड नंबर है 310. ये फाउंडेशन बहुत अच्छी कवरेज देता है आपको. और अगर आपको इसकी MRP 499 ऐसे ही आता है, लेकिन अगर आपको इसका छोटा लेना है तो ट्यूब वर्जन भी आने लगा है, तो आप वो भी ले सकते हो. तो या इसमें प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है यार, तो ये मुझे थोड़ा सा मतलब कम पसंद आता है. लेकिन इसकी जो दूसरी पैकेजिंग न्यू पैकेजिंग आ गई है उसमें आपको पंप मिलता है. तो अगर किसी फाउंडेशन में, किसी लिक्विड फाउंडेशन में आपको पंप मिल रहा है तो बहुत इजी लगता है लगाना भी और आपके प्रोडक्ट भी नहीं वेस्ट होते हैं. सो ये वाला जो था पहले बॉटल, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता था, तो इसलिए मुझे ये पसंद, इसी पैकेजिंग की वजह से इसका मुझे इतना पसंद नहीं आता. बट ओवरऑल इसकी जो कवरेज है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है. नेक्स्ट यहाँ पर मैं आईब्रोज़ को कॉम करूँगी, उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ आईब्रो ब्रश. हाँ, आईब्रो कॉम करने के लिए आईब्रो ब्रश. उसके बाद आईब्रोज़ को फिल इन करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैबेलिन की डुओ आईब्रो पेंसिल, जिसमें मेरा शेड है ग्रे एंड ये भी मैबेलिन की है. मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सबको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूँगी. ओके, उसके बाद कंसीलर को हाईलाइट करूँगी. तो कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे डार्लिंग इजाबेला का लिक्विड कंसीलर लिया है. बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो आप ले सकते हो. purple.com में आपको मिल जाएगा और इस टाइम पर्पल में, इस टाइम क्या, हर टाइम ही पर्पल में डिस्काउंट्स रहते हैं, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो अपने लिए. और मुझे ये कंसीलर बहुत ज़्यादा पसंद आता है. उसके बाद मैं अपने आईब्रोज़ के एजेस को क्लीन आउट करूँगी, उसके लिए मैं यहाँ पे प्योना स्टोर की कंसीलर ब्रश लेकर उसको क्लीन आउट करूँगी. एंड या मैं अपने आईब्रोज़ को थोड़ा सा एजेस दे रही हूँ, तो इस तरीके से मैं उसको ब्लेंड आउट करूँगी कंसीलर को. उसके बाद मैं यहाँ पे अपने हाईलाइट एरिया में कंसीलर को अप्लाई करूँगी, और जैसे कि मेरे डार्क सर्कल्स एरिया के साइड में उसको कंसीलर को हाईलाइट करूँगी, नोज ब्रिज में, चीक चिन में. उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर स्पॉन्ज की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. आप चाहो तो ब्रश से भी कर सकते हो, मुझे ब्लेंडर से करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है, तो इससे मैं ब्लेंड आउट कर लूँगी. नेक्स्ट यहाँ पे मैं आई शेडो के लिए यूज़ करूँगी हिलेरी रोडा का ये न्यूड आई शेडो पैलेट. इसमें मेरा शेड, ये वाला पैलेट का शेड है 01 और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया गाइस, इतना ज़्यादा मुझे पसंद आया. और हाँ, अगर आपको कोई आई शेडो, अफोर्डेबल आई शेडोज़ का कलेक्शन चाहिए तो मेक श्योर मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो ये वाला आई शेडो की पिगमेंटेशन गाइस, ओ माई गॉड, मतलब मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आती है, आप देख सकते हो. और ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से मैंने ये वाला शेड लेकर अपने क्रीज लाइन एरिया में अप्लाई किया और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है गाइस. इतना ज़्यादा पिगमेंटेड है, इतना ज़्यादा अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट है. मैंने इसका रिव्यू दिया है, फुल मैं डिटेल रिव्यू दिया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो लिंक पॉपअप हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैंशन कर दूँगी, तो आप लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है. तो उसके बाद मैं यहाँ पे रेड कलर का शेड ले रही हूँ, मरून कलर का शेड ले रही हूँ, और क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेड हॉट चिली टाइप मेकअप लुक शेयर कर रही हूँ, सो उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरीके से ब्रश को अप्लाई करूँगी आउटर कॉर्नर में एंड देन ट्रांजिशन कलर, ठीक है, ट्रांजिशन में ब्लेंड कर लूँगी इस तरीके से. आप देख सकते हो तो कितना ब्यूटीफुल सा ये वाला आई लुक आ रहा है ना, मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये वाला लुक. उसके बाद अगेन वही ट्रांजिशन जो मैंने शेड लगाया था उसको मैं यहाँ पे लोअर में ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी अपनी इसी तरीके से आईज पे. उसके बाद अगेन मैं मरून शेड लेके उसको भी अपनी आईलाइश में ब्लेंड करूँगी, ठीक है. और या गाइस मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि मेरे चैनल पे गिव अवे चल रहा है, तो अगर पार्टिसिपेट नहीं किया हो तो फटाफट से जाके कर लो गिव अवे क्लोज होने से पहले, लिंक पॉपअप हो रहा होगा तो चेकअप कर लेना. उसके बाद मैं यहाँ पे पर्पल का जेल आईलाइनर यूज़ करूँगी और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका एप्लीकेटर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ईजी हो जाता है लगाना, और इसका भी मैंने रिव्यू दिया हुआ है तो आप लोग देख लेना.
तो उसके बाद मैं यहाँ पे आई लैशेस लगा लिया ऑफ कैमरा, उसके बाद मैं यहाँ पे जेल आई लाइनर अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपने पूरा फेस को सेट करूँगी, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये वेट एंड वाइल्ड का डुओ कॉम्पैक्ट लिया है, जिसमें आपको ब्रॉन्जर और कॉम्पैक्ट दोनों मिल जाता है। तो इस तरीके से मैं पाउडर ब्रश की हेल्प से अपने पूरे मेकअप को सेट करूँगी एंड इसी कॉम्पैक्ट से मैं ब्रॉन्जिंग करूँगी, और ब्रॉन्जिंग के लिए ये वाला ब्रश मैं अप्लाई करूँगी। इस तरीके से मैं ब्रॉन्जर कर लूँगी, और या मैं कंटूरिंग नहीं कर रही हूँ इसलिए मैं ब्रॉन्जर कर रही हूँ। एंड ब्रॉन्जर मुझे ज़्यादा पसंद आता है कंटूरिंग से, पता नहीं क्यों, बट मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो अगर आप भी इस तरीके से ब्रॉन्जर अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ये वाला कॉम्पैक्ट तो ले सकते हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपके फेस पे इजीली, एंड बहुत ही मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है ब्लेंड करने में, बहुत ही ईजिली से ब्लेंड हो जाता है। आप हैंड की हेल्प से कर लो या ब्रश की हेल्प से कर लो। उसके बाद मैं यहाँ पे फेस पैलेट यूज़ करूँगी सिवाना का, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। इसमें आपको ब्लश, कंटूर, हाइलाइटर सब कुछ मिल जाता है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं ये लाइट कोरली शेड लेके ब्लश अप्लाई करूँगी, और ये शेड मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है ना, आप देख सकते हो, इतना नेचुरल सा ग्लो देता, नेचुरल सा ब्लश देता है कि पूछो मत। उसके बाद इसी पैलेट से मैं हाइलाइटर भी अप्लाई कर लूँगी एक फ़ैन ब्रश की हेल्प से, इस तरीके से, और ये इसका भी हाइलाइटर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद मैं लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, तो मेरा जितना भी लिप्स में फाउंडेशन, क्रीम, कुछ भी जो भी लगाया ना, उसको क्लीन आउट कर लूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिप बाम यूज़ करूँगी, एंड ये है पर्पल का लिप बाम। इसकी पैकेजिंग देखो गाइस, इतनी क्यूट लगती है ना, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, और इसको मैं यूज़ करती हूँ। लिपस्टिक लगाने से पहले लिप बाम ज़रूर अप्लाई करूँ, तो इस तरीके से मैं इसको लगा लूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं पर्पल का क्रेयॉन लिपस्टिक ले रही हूँ, और ये रेड कलर में है। इसका शेड नेम मुझे याद नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हो, बिल्कुल रेड है। तो ये मैं जो लुक है, ये रेड चिली हॉट लुक मैंने आपको लोग बताया ना, वैसा है। तो यहाँ पे ये वाला शेड लगाऊंगी, बट इतना मुझे रेड इसका दिख नहीं रहा था, मतलब थोड़ा सा ऑरेंज में आ रहा था, पता नहीं क्यों। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ये NY बे की शक्ति एक्स की लिपस्टिक यूज़ करी है, लिक्विड लिपस्टिक है ये, इसका पूरा प्रॉपर रेड शेड था। तो ये मैंने, इसीलिए मैंने दो तरीके की लिपस्टिक लगाई, और बिल्कुल फिर जो जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही आया इसका लिप शेड, आप देख सकते हो गाइस। और ये है मेरा फाइनल लुक, एंड आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।